गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि अंग्रेजी के प्रति लेकर जो फोबिया है कि हम अच्छी अंग्रेजी कैसे लिखें, हम ऑब्जेक्टिव को कैसे तैयार करें, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपके सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो आप इंग्लिश को रटते हैं किताबों के जरिए। किताबों के जरिए अंग्रेजी नहीं रटी जा सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि किताबों के जरिए जो आप रटोगे वो आपका क्रैमिंग सिस्टम कहलाएगा। इंग्लिश वही प्रोसेस है जो हमारी मदर ने हमारी मदर टंग सिखाई थी, तब कोई व्याकरण या किताब या कोई वाकैब नहीं लेकर आई थी, वही हमारा प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम मैथमेटिकल अंदाज में यदि वाकैब को तैयार करें, जहां पर हमारी कंटेंट को रोटेट कर सके, हमारी वाकैब को रोटेट कर सके, वही हमारा अंदाज है। तो देखिए आज हम आपको सिखाते हैं अलादीन लैंप मेथड से वाकैब कैसे तैयार की जाती है, बिना किसी किताब के, बिना किसी कॉपी के यदि हम वाकैब को तैयार करते हैं तो क्या तैयार करना है। कहीं पर भी आप जाएंगे, वहां जहां आप खड़े हैं, जहां बैठे हैं, वहीं से इंग्लिश की शुरुआत हो जानी चाहिए। जैसे हम जा रहे हैं गार्डन में, रोज जाते हैं, सब जाते हैं, उस गार्डन में जाकर आते हैं तो हमारा कितना बेनिफिट होगा खुद देखिए आप, वो भी पिक्चराइजेशन मेथड में, एप्लीकेशन मेथड में। कुछ नहीं रटना है, जो ये सोच के चलता है कि इंग्लिश में हम रटकर ऐसे लिखेंगे वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि ऐसे आपके मन की अभिव्यक्ति है। हाँ, किताबों के जरिए आप डेटास, आप कंटेंट, आप जो डेटा है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, लॉ का क्या ग्राउंड है, वो जरूर हम गेन कर सकते हैं, लेकिन आप उस किताब से रटकर ऐसे लिखने के बारे में सोच रहे हैं, सोच तो लीजिए, सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे तो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि किताबों में क्या किताब लिखने वाला चांद पे रहता है क्या? नहीं, वो धरती पे ही रहता है, मगर उसे चार किताबों को मिलाया और ये ऐसे राइटिंग कर दिया, और ऐसे राइटिंग ऐसे किया जो समझ में नहीं आया। आप कोई भी इंग्लिश की किताब लेकर आ जाइए और उसे ऐसे तैयार करना, लिख के बता देना मैं यही हूं, आप भी यही पर हो, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा कि अगला कहना क्या चाहता है। लोगों की धारणा होती है, मिथ होती है कि हम इसको रटकर प्रेजेंट कर देंगे। क्या तीन ऐसे रटकर प्रेजेंट किए जा सकते हैं? क्या आंसर आएगा? नो, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो जो काम संभव ही नहीं है उसको आप संभव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? गलत तरीके से, सही तरीके से संभव बनाइए ना। वॉकैब टिप्स पर, ग्रामर टिप्स पर, कंटेंट टिप्स पर, ऐसे तो अपने आप छपेगा मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह। आइए आपको सिखाते हैं आज वॉकैब बाय अलादीन लैंप मेथड से। इस तरीके से वॉकैब आपके दिमाग को प्रिंट करके चली जाएगी। कुछ नहीं करना है, गार्डन में जाके आना है और कुछ नहीं करना है। रोज जाते हैं हिंदी में वॉक करने के लिए, ये वॉकैब पूरे पूरे वर्ड को कवर कर सकती थी, वहां तक ग्राफ जा सकता है, लेकिन हम यही तक रहते हैं क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन यही को कवर कर रहा है। तो देखिए, गार्डन में गए, गार्डन में घास होती है, बिल्कुल होती है, घास को देखो बड़े प्यार से और करो आस्तीन का शाम। स्नेक इन ग्रास का मतलब होगा आस्तीन का शाम, यानी हिडन एनिमी, जाने दो ग्रास को। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जो दिखने में तो आपका दोस्त है लेकिन एक्चुअल में आपका दुश्मन है, हिडन एनिमी है, उसे स्नेक इन द ग्रास, कुछ नहीं कर रहे, ग्रास को पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे आप कोई रख रहे हैं, कोई हाथ में किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मजे कर रहे हैं आप। इस तरह की द ग्रास, ग्रास अंडर द फीट, कोरोना पीरियड को याद करिए, बेरोजगारी को कहते हैं बेरोजगार होना, बेरोजगार होना, ग्रास अंडर द फीट दूसरा वर्ड, क्योंकि जब इंसान बेरोजगार रहता है या जिस घास पे कोई चलता नहीं वो बड़ी बड़ी हो जाती है, तो ग्रास अंडर फीट का मतलब होता है बेरोजगार होना, यानी कोई रोजगार नहीं है। सेकेंड, ग्रास को रोटेट कर रहे हो आप गार्डन में देखते देखते, ग्रास वीडो, सर क्या मतलब हुआ? वीडो तो विधवा होती है, बिल्कुल होती है, ऐसी औरत जिसका पति काम के लिए लंबे समय तक बाहर रहता हो, जैसे आपका आर्मी में या फॉरेन में है, जिसका पति काम के लिए बाहर रहता हो लंबे समय तक, ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, लंबे समय तक, जैसे नेवी में होते हैं, या आपका जिसे कहते हैं कि बहुत आपका आर्मी में होता है, या कोई बिजनेस की वजह दो साल से बाहर है, तो ग्रास वीडो कहलाएगी। आपके कोई जानकार में हो, कोई आंटी, कोई दीदी, तो आप कह सकते हो कि साहब इनके पति उसमें है, तो ग्रास वीडो दो साल से बाहर है, एक साल से बाहर है, तो ग्रास वीडो कहलाती है। देखो, वीडो से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आपने ग्रास से तीन वर्ड को तैयार कर लिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ, क्या जोर आया? घास रोज देखते हो, आज अलग अंदाज में घास को देखो ना। अब आप इस पे एंट्री मारी, ठीक है, माली पानी नहीं दे रहा,
तो कुछ पौधे मुरझाए हुए हैं, माली पानी नहीं दे रहा या पानी नहीं आ रहा, मुरझाया, विल्टेड, बीजान, बीदड़, पेल। प्लांट्स हो सकते हैं, गुलाब हो सकता है, चेहरा हो सकता है, www.p। कहते आज ने जेएलओ का रिजल्ट आ गया, कल जो लोग रिजेक्ट हो गए उनके चेहरे ऐसे ही हैं, विल्टेड, बीजान, बीदड़ और पेल। मुरझाया हुआ प्लांट, मुरझाया हुआ पौधा w3.p कहलाएगा। विल्टेड है, विजर्ड है, विदर्ड है, पेल है, चेहरा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, संस्कृति हो सकती है, कोई कल्चर हो सकती है जो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर हो, उतनी ब्लूमी नहीं है। विंटेड, विजन, विदर्ड और पेल एकदम मुरझा गई। जब से मोबाइल आया हमारा कैमरा इंडस्ट्री विंटेड हो गई। हमारे अंदर अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड विल्टेड हो गए। बहुत सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई मोबाइल के आने के बाद। आपको अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड देखे कई साल हो गए, क्यों मैसेज हम उसपे ही कर देते हैं, तो फिर जरूरत कहाँ है। विल्टेड, बीजन, बीदड़ और पेल और प्लांट्स। हर चीज की गैलरी हुआ करती थी कार्ड्स की, बिल्कुल बीजन हो गई। क्यों? क्योंकि हम मैसेज उसपे ही कर देते हैं, तो यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। मुरझाया हुआ विल्टेड, बीजन, बीदड़ और पेल, क्योंकि गार्डन में जो माली है या तो पानी नहीं देता या पानी है ही नहीं। अब गार्डन का जो सीन होता है वो आपको बता देता हूं। ये ट्रैक होता है गार्डन के चारों तरफ, कॉर्पुलेंट, अबीस, बल्जी, रोटेंट और एडिपोस, मोटे लोग। वैसे तो सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मोटे लोग, कॉर्पुलेंट, अबीस, बल्जी, रोटेंट, एडिपोस, कोबरा, मोटे लोगों को शो कर रहा है। फैट आपको आता है, थिक आपको आता है, जाने दो। अब जो मोटे लोग हैं, कॉर्पुलेंट, अबीस, बल्जी, रोटन, इस चारों तरफ जो ट्रैक है इस पर क्या करते हैं? इस पर सैर करते हैं। सैर करना, अब याद कर लो गार्डन का सीन। यदि आप सुबह गए हो तो गार्डन का सीन आपको बता देता हूं, 4 बजे का सीन बता देता हूं आपको। रोड पर, गार्डन में, कहीं पर भी लोग ये करते हुए मिल जाएंगे, जंकेट, एम्बल, सॉन्टर, स्ट्रोल, आउटिंग। सैर करना, घूमना फिरना सबको जरूरी है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। जंकेट, एम्बल, सॉन्टर, स्ट्रोल और आउटिंग, सैर करना। जस्सू रानी सैर करती है, कोबरा लोग भी सैर करते हैं। जस्सू रानी कोबरा है इसलिए वो सैर करती है, JASSO। जस्सो जो कोबरा है वो सैर करती, काहे को सैर करती है? सीधी सी बात है, कोई तो उद्देश्य होगा, कोई तो मोटिव होगा, अपना मोटापा कम करने के लिए, कम करना। मिटिगेट, लेसन में ई है ओ नहीं है, एलए और एसवेज, इनको इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम को बहुत पसंद है ये दोनों वर्ड। ALLAY और ASUGE, एसवेज। और सबसाइड, सब्सिडी इसी से बना है, आपको बता दूं। मिटिगेट, लेसन, एलए, एसवेज, सबसाइड। एमएलए साहब ने पार्क में जाना कम कर दिया, एमएलए साहब, याद रखने का तरीका, एमएलए साहब, एमएलए साहब ने कम कर दिया, वजन कम कर दिया, या शराब पीना कम कर दिया, या विधानसभा में जाना कम कर दिया, कम करना। मिटिगेट वर्ड कहाँ मिला है आपको? मिटिगेट आपके आईपीसी में आता है, शमन वर्ड आता है ना कहीं, शमन वर्ड जहां पर आ गया वहां मिटिगेट जरूर आएगा। शमन करना, उसको कम कर देना। मिटिगेट, लेसन, LASSUGE और सबसाइड, कम करना। अभी आपको भूख लग रही होगी, आफ्टर दिस क्लास या सर की क्लास आप जाओगे आसपास की दुकान पर और छोटा सा कोई बिस्किट का पैकेट और चाय लोगे, आपकी भूख क्या हो गई? मिटिगेट हो गई। खत्म तो नहीं हुई ना, कम हो गई, मतलब अगली क्लास के लिए यू आर गियर अप, तो आपकी भूख है वो मिटिगेट हो गई, लेसन हो गई, एले हो गई, एसवेज हो गई, सबसाइड हो गई, कम हो गई। इतना था, कम हो गया, नीचे आ गया थोड़ा लेवल, खत्म तो नहीं हुई, खत्म में सेटिस्फाई जाएगा, वहां कहानी कुछ और होगी। अब जो आपके पार्क में कुछ शरारती बच्चे हैं, पार्क में होते ही हैं, अरे लॉन में मत जाओ, जैसे जिस लॉन में मैं जाता हूँ वहां का केयर टेकर कहता है अरे घास में मत जाओ खराब हो जाएगी, फिर भी बच्चे जाते हैं क्योंकि वो शरारती हैं। वो शरारती बच्चे हैं, वो प्रैंकिश हैं, इंपिश हैं, नोटी हैं, तो वो बदमाशी करेंगे। बच्चों की बदमाशी को कहते हैं रॉम, बदमाशी करना, रॉम करेंगे, या तो कितना डांट लो, वो केयर टेकर बहुत डांटता है, उनके पीछे पीछे ही भागता है, फिर वो आ जाते हैं उसमें, फिर वो रॉम करते हैं। और बंदर होगा, बंदर और बच्चे एक ही होते हैं, बंदर होगा तो फिस करेगा,
इसका क्या मतलब बताया था? उछल कूद करना। उछल कूद करने को फ्रिस्क बोलेंगे और तलाशी लेने को भी फ्रिस्क बोलेंगे। जो मैनुअल तलाशी होती है वो फ्रिस्क कहलाती है। फ्रिस्क के दो मतलब, पहला तलाशी करना मैनुअल, सर्च नहीं आएगा, दिस एक्शन इज नोन एज फ्रिस्क। आउटसाइड द एयरपोर्ट, आउटसाइड द असेंबली, आउटसाइड द यू कैन से वेल नोन आपका जो मॉल। यदि बद्दर होगा, पिन चुबाने वाला बच्चा शरारती होगा, जो पिन चुबाएगा बोले यार तुम्हारे बच्चों में एडिकेट नहीं, क्या पिन चुबाता ये? तो प्रैंकिश इम्पिश नोटी, शरारती बच्चों पर लागू होता है, बंदर पे लागू होता है। बंदर आता है आपका फ्रिज खोलता है, आपके उससे मैंगो को चुरा ले जाता है, क्योंकि बंदर कैसा है? प्रैंकिश इम्पिश और नोटी। यदि बच्चा होगा तो रोंप करेगा, यदि बच्चा होगा तो रोंप करेगा, और यदि बंदर होंगे तो फ्रिस्क करेंगे। इस कौन से पौधे पर जो विल्टेड है, सूखा हुआ एक खेजड़ी का वृक्ष है या कोई भी वृक्ष है, उस पर वो विल्टेड करेंगे। विल्टेड वीजन वीदर पेल प्लांट्स रोज हो सकता है, चेहरा हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, कल्चर हो सकती है, कोई भी चीज जो मुरझा गई। मुरझाने का मतलब उसमें वो चीज नहीं है, वो ब्लूमिनेस नहीं है। आज किसी का रिजल्ट आया और अनुत्तीर्ण हो गया, उसका चेहरा जाके देख लो ऐसा ही होगा। विल्टेड वीजन वीदर पेल प्लांट्स हो सकते हैं, रोज हो सकते हैं, फेस हो सकता है किसी का, चेहरा बीमारी के कारण हो सकता है, असफलता के कारण हो सकता है, किसी टेंशन के कारण हो सकता है, वो तो अलग मैटर है। देखिए आप 30 सेकंड में वॉकअप रोटेशन होने वाली है, 5, 5 और 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 3 फ्रेजे 26, 26 वॉकअप विद इन 1 मिनट। देख लो भले 26 वॉकअप का रोटेशन ले लो भाई अल्लादीन मैथड से। देखिए आप इसने कितना ग्रास, ग्रास को देखा और आपने रोटेशन में लिया, बेटा दूं अरेज ओके। ग्रास से क्या फायदा हुआ? ग्रास वीडो फीट अंडर द ग्रास, किसने कितना ग्रास याद आ गया, फीट खत्म करो। पेड़ पौधे कैसे हैं? पेड़ पौधे मुरझा गए, पानी नहीं दे रहे, www.p रीजन वीदर विल्टेड और पेल। चेहरा हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई भी चीज जो मुरझा गई, डब्ल्यू की पावर 3 और पेल। हम भी 10 दिन तक बीमार हो जाए तो चेहरा कैसा होगा? ऐसा ही होगा, ठीक है। कौन से लोग जो है सैर करेंगे ज्यादातर? कोबरा। मैंने पूछा कौन से लोग सैर करेंगे पार्क में, उल्टा पूछ रहा हूं मैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा क्वेश्चन ही अलग है। कौन से लोग कोबरा सैर करेंगे वहां पर? कॉर्पुलेंट, अबीस, बल्जी, रोटेंट, एडिपोज, जाने क्या करेंगे कोबरा लोग सैर करेंगे? जस्सो को सैर करवा दो, जस्सो रानी को सैर करो। कौन जस्सो करेगा? जो कोबरा होगा। कोबरा लोग क्या करेंगे? जस्सो करेंगे, जंकेट, एम्बल, स्टॉल, सॉन्टर, आउटिंग, खत्म, जाने दो। ये क्यों करेंगे, ये कहानी को क्यों लगाएंगे, क्या शौक है साहब सैर करने से? क्या फायदा होगा? मोटापा कम होगा, फैट कम होगी, नेचुरली बात शरीर हेल एंड हार्टी बनेगा। मैं कह रहा हूँ ग्राफ वहां तक जा सकता था, इतना कुछ इस ग्राफ में कि वहां इतने बड़े बोर्ड को कवर कर लेता ये। तो ये जो लोग कोबरा है, जो जस्सो करते हैं, वो क्यों करेंगे? ताकि फैट सिस्टम में रहे, मिटिगेट लेसन एले एसवेज सबसाइड, क्लियर? कब करना? भूख अभी आप जाओगे तो याद रखना, जब भी आप कोई थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लोगे, बिस्किट और चाय, नमकीन और चाय जो आप लोगे, एमएलए साहब रोटेट कर देना, भूख खत्म तो नहीं होगी ना, थोड़ी कम हो जाएगी, अगला पीरियड अगले 2 घंटे आप झेल सकते हो, एमएलए साहब को जाने दो। और पार्क में कौन से बच्चे हैं? पार्क में हैं जो पिन चुबाते हैं, पिन चुबाते तो शरारती, क्या करते हैं ये पार्क में? रॉम्प करते हैं, और बंदर होगा तो प्रिंस करेगा, कहानी खत्म। कौन से लोग सैर करते हैं पार्क में? कोबरा। क्या करते हैं कोबरा लोग? जस्सो करते हैं, क्यों करते हैं? एमएलए साहब। पार्क में कौन से बच्चे हैं? पेन, घास को देखो, खत्म पानी। और पार्क कैसा है? कैसे पार्क में जाना पसंद करोगे, वो तो रह गया मेन थीम। तो पार्क कैसा है? हरा भरा। पार्क कैसा है? हरा भरा, ये भी लाइट लिख डालो, सैपी, लश, SLV, वर्डेंट,
और वर्जर कहानी खत्म। पार्क को तो भूल ही गए, सबसे मेन थीम को तो। पार्क कैसा है? SLV। ये पार्क कहाँ है? श्यामलाल वोरा के मकान के पास है। कहानी खत्म। श्यामलाल वोरा के पास एक पार्क है जो हरा भरा है। सैपी लश वर्डेंट और वर्जर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पार्क सैपी है, लश है, वर्डेंट है, वर्जर है, हरा भरा। पार्क कैसा है? सैपी है, लश है, वर्डेंट है, वर्जर है। 2605 31 वोकैब टाइम 30 सेकंड। कर ले रोटेशन, मजा आ रहा है? ऐसे आवाज तेज आनी चाहिए जो मजा आए। आ रहा है मजा? यस। रोटेशन 30 सेकंड का देख लो। 31 वोकैब यानी 1 मिनट 1 वोकैब। कौन से पार्क में जाना पसंद करेंगे जो हरा भरा होगा? मेरे साथ साथ बोलते चलिए, सैपी, लश, वर्डेंट और वर्जर। उसमें कुछ सूखे हुए पेड़ पौधे जो माली ने पानी दे दिया, क्या वोकैब लोगे वहां से? विल्टेड, बीजन, बीदर्ड और पेल। पार्क में चलो। कौन से लोग सैर कर रहे हैं? जो कोबरा है, कॉर्पुलेंट, अबीस, बल्जी, रोटन, एडिपोस। कोबरा लोग क्या कर रहे हैं? दसो, जंकेट, एम्बल, सॉन्टर, स्टॉल, आउटिंग। क्यों कर रहे हैं? MLA साहब, मिटिगेट, लेसन, SOH, LA और सबसाइड। बच्चे कैसे हैं पार्क में? पीने जो पिंचुप होते हैं, प्रैंकिश, इम्पिश और नोटी। क्या करते हैं वो बच्चे? रोम करते हैं। और बंदर होगा तो बड़े आराम से घास। पार्क में जो आपका हरा भरा बाग है, जो SLV बाग है, उसके नीचे जो घास है, तभी तो SLV बोल रहे हो। ग्रास है, ग्रास को पकड़ लो। ग्रास वीडो, जिसका पति काम के लिए बाहर रहता हो। ग्रास अंडर द फीट, बेरोजगार बैठा हूं तो घास ऊपर ही आएगी ना, चल रहा हूं तो क्यों आएगी, कट जाएगी वो। ग्रास अंडर द फीट और स्नैक द ग्रास। बोर्ड खाली है, दिमाग भरा हुआ है, यहाँ चला गया सब इधर सेंट्रल पॉइंट में। 31 वोकैब 30 सेकंड स्पीड देखो क्या शानदार है, रॉकेट वाली स्पीड है, रॉकेट वाली स्पीड। जस्सो क्या करती है? सैर करती है। कोबरा लोग क्या करते हैं? जस्सो करते हैं MLA साफ करने के लिए। पार्क कैसा है? SLV है। बच्चे कैसे हैं? पीने क्या करते हैं? रॉप और फ्रेश करते हैं। ये लो एक सांस में चल रहा है, एक सांस भी खत्म नहीं होने दे रहा। सांस खत्म होने से पहले आप इतनी शार्प रोटेशन ले लो, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक के दिखा दे। कोई ताकत बोल रहा हूँ मैं तो। स्पीड लेनी पड़ती है, वो गर्स पैदा करने पड़ते हैं जो सिलेक्शन की ओर जाते हैं। कॉपी में लिख लिख कर कोई PhD नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। क्यों? कॉपी से सिलेक्शन नहीं होता। माइंड में क्या है, इधर से क्या जाएगा वो वहां पर डिलीवर होगा। इधर से जो भेजोगे ना कॉपी में, और इतनी स्पीडली भेजोगे, आ जा भैया क्या लिखवा रहा है तैयार। जस्सो क्या करती है? सैर करती है। जस्सो कैसी है? कोबरा है। जस्सो कैसी है? कोबरा है। कौन से बाग में गई जस्सो? SLV। SLV बाग में जाके क्या करती है? सैर करती है। क्यों करती है? मोटापा कम करने के लिए, MLA साहब करने के लिए। MLA साहब जो जस्सो एक MLA साहब है, जो कोबरा है वो SLV बाग में गई। ये लोग एक लाइन मर गई, खत्म कर दी। जस्सो जो MLA साहब है वो SLV बाग में जाती है, वो खुद एक कोबरा है, खत्म कहानी। एक लाइन में, एक सांस में मैंने आपको कितना सिखा दिया। ग्रास को देखते ही तैयार, कल घास बाहर जाना, शाम को पार्क में जाना, और जब कार्यक्रम नहीं हो जाए तब तक आप आना ही मत, कॉपी में लिखते रहना। ये क्या, इसको क्या सिस्टम है ये रेज जो हो रहा है? वो सर को बुला के लाओ, कल भी नहीं बताया मेरे को। तो यार इनका सेटिस्फेक्शन तो देना कम से कम, रेज एड हो रहा है आपको सिस्टम में, तो आप बताओ उसका क्या सिस्टम करें, ऐसा नहीं कुछ बंद हो जाए। अनुज जितेंद्र आए नहीं आज? हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो वही तो सिस्टम बनी कि आवाज इधर अपने तक कैसे पहुंचे। रुकिए भैया, आप भी सर आ जाते हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो थोड़ी देर रुकिए, सर आते हैं आपके क्वेरी का जवाब देते हैं, तब तक थोड़ा पेशेंस के साथ चलिए। तो देखिए आप, क्लियर आज का थीम? जस्सो जो कोबरा है वो SLV बाग में जाती है, MLA साहब भी है वो आपका SLV बाग में जाती है कहाँ के लिए? अपना MLA साहब करने के लिए, कम करने के लिए। और अभी जब आप नाश्ता करें तो MLA साहब को तैयार कर लेना, जो रिलेटेड वॉक है वो उसको तैयार कर। पार्क में जाना,
आरपी सारी थीम ऑटोमेटिक आ जाएगी। सूखे पेड़ पौधे को देखना डब्ल्यू की पावर 3 पे, लोगों को देखना मोटा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं, एक बार तू कोबरा दे देना, क्या कर रहे हैं जस्सो कर रहे हैं क्या करने के लिए, एमएलए साफ करने के लिए, बच्चों को देखना वो तो बदमाशी करेगी वो पिन है, बंदर को देखना वो फ्रिज करेगा, फ्रिज में से आएगा मैंगो चुराएगा बोतल पटकेगा और चला जाएगा। क्लियर? कोई क्वेरी हो तो पूछो। हाँ सैपी लश वर्ड एंड वर्जर एसएलवी श्यामलाल वोरा के पास है ना, ये जो गार्ड है एसएलवी वर्जर, इसे प्रोनाउंसिएशन में डी नहीं आएगा, वर्जर वी आर डी यू आर ई, प्रोनाउंसिएशन इज वर्जर। सैपी लश वर्जर श्यामलाल वोरा के पास मकान है, ये हरा भरा जो बाग है एसएलवी श्यामलाल वोरा के पास मकान है जिसमें कोबरा लोग जस्सो जो कोबरा है वो एमएलए साहब करती है, बच्चे हैं वो पिन है और रास को देखो तो तीन बार तैयार थी। इस क्लियर? बिल्कुल क्लियर ना, लाइफ में दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही खत्म पूरी। ऐसी वोकैब आप नचाते हो ना ऐसे तो नाचेंगे, ऐसे की सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी वोकैब विथ ग्रामर प्रेजेंटेशन, इसीलिए लोगों का सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि तैयारी उस लेवल की नहीं होती जहां पर सिलेक्शन चाहिए। अंग्रेजी के प्रति मैं तो छोड़ता हूँ, एक बार राजेश को छोड़ दो, एपीओ को छोड़ दो, जनरल भी लिखना पड़े आपको तो ये सब रिक्वायरमेंट है कि नहीं, जनरल भी हमको करना पड़े। मैं कहूँ इस टॉपिक पे लिखिए आप, किसी भी टॉपिक पर कोई भी टॉपिक ले लो आप, मैं किसी भी टॉपिक पे लिखवा दूंगा आपको, एक बार फ्री हो जाए फिर मेंस में इतना गजब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन सिलेक्शन रुकेगा नहीं, ये मेरे से अभी कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने सिलेक्शन ही सिलेक्शन देखे हैं इसलिए पता है सिलेक्शन होते कैसे हैं। चलिए कल के पेपर की तरफ आइए, लोड हो गया था ऑनलाइन फ्रेंड्स, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाद में मैं आराम से आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा, लेकिन अभी क्लास चल रही है और वो थोड़ा सा सिस्टम हमें आ जाए वो बता दें। तो देखिए क्या कहता है आज का पहला क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, ही डोंट रेस्क्यू ए ब्लेजिंग हाउस ड्यू टू हिज सीसी नेचर। पहले एक्स्ट्रा नॉलेज को डिस्कस कर लीजिए, सीसी नेचर का मतलब डरपोक प्रवृत्ति, डर लगता है साहब मैं डरपोक हूं, सीसी नेचर का मतलब होता है डरपोक प्रवृत्ति, सीसी नेचर थोड़ी सी भीरू बुजदिल को कहते हैं डरपोक स्वभाव। हो गया पहला क्वेश्चन तैयार, दूसरे पर आ जाइए। दूसरा कहता है ब्लेजिंग हाउस, ब्लेजिंग हाउस का मतलब जलता हुआ मकान। तो देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेयर और नीड, कभी एस नहीं आएगा इसमें, कभी टू का प्रयोग नहीं होगा, पहला और दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, डेयर या डेयर, डेयर क्यों देंगे क्योंकि एस नहीं आएगा, ही दे आर नॉट रेस्क्यू ए ब्लेजिंग हाउस ड्यू टू हिज सीसी नेचर, बी आएगा क्यों, इसमें आंसर आपका बी आएगा, डेयर इज द राइट आंसर, सही कर लेना इसको। सेकेंड पर आइए, शी नॉट परजर इन दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर इन जैपैक कोर्ट, परजर का क्या मतलब बताया था मैंने, परजर का मतलब झूठी गवाही देना, परजर झूठी गवाही देना, कौन सा कोर्ट है, जैमपैक्ड कोर्ट, जैमपैक्ड कोर्ट का मतलब खचाखच भरा न्यायालय। हो गया पजर हो गया, जैमपैक्ड कोर्ट हो गया, फिर कोल्ड ब्लडेड मर्डर आपसे दोस्ती कर चुका है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर सोची समझी गई हत्या, बिल्कुल बेल प्लांट है, सोची समझी गई हत्या, परजर हो गया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, डीड के साथ भी वही ग्रामर लगानी है जो आपने डेयर के साथ लगाई है, शी डीड, डीड ने भी कहा मैं कभी एस फॉर्म में नहीं आता और मेरे बाद टू नहीं आता, डीड और डेयर एक ही घर में रहते हैं, मॉडल वाले घर से कवर हो रहा है क्वेश्चन, जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन कवर हो रहा है, तो आपका आंसर शी हो चाहे ही हो चाहे राम हो कुछ भी हो रहा हो वहां पर आपका जिसे कहते हैं डेयर फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, इसको वर्ब मानने की गलती ना करें, ये एक मॉडल है और यहाँ पर दो ही ग्रामेटिकल पावर है, डीड और डेयर में एस नहीं आएगा और इसके बाद नोट आएगा उसमें टू नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन बनाता है और ये भी क्वेश्चन बनाता है। पहले और दूसरे क्वेश्चन क्लियर, आइए नेक्स्ट, यू कॉप विथ स्टीव रीडर्स प्रूडेंटली, यू कॉप विथ स्टीव रीडर्स प्रूडेंटली, कॉप विथ का क्या मतलब बताया था, कॉप विथ जल्दी आंसर आने चाहिए, अब
कॉग्वेद हल करना, स्थगित करना पड़ेगा सर, स्थगित करना क्लास को, क्या करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा, कॉल ऑफ करना पड़ेगा, क्लियर। सिमिलर फ्रेजल क्या थी, सिमिलर फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब चाहिए, पुट ऑफ, बिल्कुल सही जा रहे हो, सिमिलर फ्रेजल वर्ब, पुट ऑफ, कॉल ऑफ, पुट ऑफ, कॉल ऑफ, आंसर पर आ जाओ। आंसर कहता है पोस्टपोन समथिंग इज द राइट आंसर। सर आज कैट्स एंड डॉग्स रेन हो रही है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, सो प्लीज कॉल ऑफ द क्लास, सो प्लीज पुट ऑफ द क्लास, पोस्टपोन इज द राइट आंसर। सेकंड आओ, एस्केप बाय ए विस्कर, यस, कॉल ऑफ क्या होता है, आई स्टॉप समथिंग, नहीं उसको आपका पोस्टपोन करना पड़े, स्थगित करना, स्टॉप, क्लास हमेशा पोस्टपोन होती, स्टॉप नहीं होती, स्टॉप तभी हुई है, हाँ स्थगित करना, नोट उसको पोस्टपोन कर देना प्रॉपर वे रादर देन स्टॉप, रादर देन, क्योंकि क्लास क्या होगी, पोस्टपोन होगी, शादी क्या होगी, शादी क्या होगी, पोस्टपोन, शादी स्टॉप थोड़ी होगी, हाँ तो कैंसिल मतलब पोस्टपोन कर दी ना, स्थगित कर दी ना, तो इसका पोस्टपोन होते हुए स्टॉप के पास नहीं जाना है, हाँ नहीं हो तो फिर जाएगा। कहते ना शादी को क्या कर दिया, स्ट्राइक क्या कर दी, कॉल ऑफ और पुट ऑफ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट के पास कहते हैं हम क्या, आई स्टार्ट मतलब उसको, अब क्लास को क्या करेंगे, स्टॉप या पोस्टपोन, पोस्टपोन, दैट इज मेनी सो ओवर। एस्केप बाय ए विस्कर, एस्केप बाय ए विस्कर, एक ही कार बी के ट्रक से कलाइडेड विथ हो गई, एक ही कार बी के ट्रक से कलाइडेड विथ हो गई, टकरा गई, टकरा जाना, एक ही जो कार थी बी के स्पीडी ट्रक से कलाइडेड विथ हो गई, कलाइडेड विथ हो गई, कलाइडेड विथ हो गई, टकरा गई, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से ए बाल बाल बच गया, जैसा एक्सीडेंट में होता है, मर भी जाते हैं, ए बाल बाल बच गया बाय ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, कितने से मार्जिन से, इतने से मार्जिन से, इसका याद आ गया, इतना सा मार्जिन था, बच गया, ऊपर वाले की कृपा थी। एस्केप बाय विस्कर, ए की कार बी की कार से कलाइडेड विथ होती है, टकराती है, लेकिन भगवान की कृपा से ए बाल बाल बच गया। ग्राफ समझ में आ गया, आंसर पर आ जाओ। एस्केप बाय नैरो मार्जिन, बाल बाल बच जाना, ए इज द राइट आंसर। आइए दो क्वेश्चन हमारे एक्टिव पैसिव से, सबसे पहले इसका एक्स्ट्रा पार्ट, यू में डेमोलिश इज रैमशकल हाउस इट डीजल, अर्थ लिखवाते चलो भाई, आप लिखवाओगे मैं नहीं बताऊंगा। पहला वर्ड है आपका डेमोलिश, दूसरा वर्ड है रैमशकल हाउस, आप तीनों के अर्थ बताओगे तो कहानी आगे चलेगी, नहीं कहानी यहीं पे रुकती है, रैमशकल हाउस, और तीसरा वर्ड है आपका डीजल, कौन बताएगा तीनों के अर्थ, बताओ फटाफट, डेमोलिश, डेमोलिश, रैमशकल हाउस, डीजल, डेमोलिश का मतलब ढहाना, मकान को गिराना, डेमोलिश कहने ना, डेमोलिश करवाने मकान को, रैमशकल हाउस, जर्जर मकान, मकान पुराना हो गया 50 साल, अब नया बनाएंगे, रेनोवेट करवाएंगे, रिमझिम बारिश, बूंदाबांदी हो रही है, रिमझिम बारिश, आ गई साहब एक्स्ट्रा वर्क है, डेमोलिश आ गया, रैमशकल आ गया, रिजल आ गया, रिमझिम बारिश। क्वेश्चन के पास चलते हैं भाई साहब, मे का मतलब परमिशन दे रहा है, मे अनुमति दे रहा है, अगला दे दे अनुमति, कोई फर्क नहीं है, अनुमति देना, पैसिव वॉइस में तेरा मे भी आंसर होगा, ये भी बिल्कुल फैक्ट है, मे बी प्लस वी थ्री, एक्टिव में तुम वी वन के साथ आते हो, पैसिव में मे बी वी थ्री आते हो, बेबी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में रोटेशन गया और आंसर ले गया ये आपका सी इज रैमशकल हाउस, बेबी डेमोलिश बाय यू डीजल और बीजल, डेमोलिश ढहाना और गिराना, रैमशकल हाउस टूटा फूटा मकान, डीजल रिमझिम बारिश, मॉडल मे के पास गए, पहले से इसकी बातचीत की, भाई साहब तेरा यूज क्या है, यहाँ पर क्या यूज है, बोले अनुमति देना, पैसे में क्या लेगा, मे बी थर्ड फॉर्म, अब आंसर के पास, क्लियर गानी,
आगे चलो। योर किथनकिन कुड नॉट हेल्प यू इन योर एडवर्सिटी, बुलाओ किथनकिन को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के पास जाने से पहले एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि रिटर्न में एज इट इज आएगी, रिटर्न का खेल खेलना है तो यहाँ पर खेल लो। लोग कहते हैं प्री का ही तो है ना, तो ले लो, क्या दिक्कत है, मेंस हो गया, क्या हो गया सिलेक्शन। सगे संबंधी आज ही मेहनत करके ले गए तो देखना मेंस में कितना भयंकर जो है रिजल्ट आएगा। किथ एंड गेन सगे संबंधी क्या करते, हेल्प आपको आता है। एडवर्सिटी की बात करो, एडवर्सिटी विपत्ति, एडवर्सिटी विपत्ति मानव जीवन में जो बुरे दिन आते हैं वो एडवर्सिटी कहलाते हैं। पीपे में आटा नहीं, खाने को दो वक्त की रोटी नहीं, एडवर्सिटी को यदि आप फ्रेज में कहना चाहते हैं तो आप रेनी डेज भी कह सकते हैं। मुश्किलों के दिन, हालातों विपरीत जिसे कहते हैं, तकलीफ के दिन, और पैसे वाले दिन याद है किसी को, वैभव का समय, खुशहाली का समय, बहुत पैसा था, पामी डेज। पाम को याद करोगे तो पामी डेज, रेन को देखोगे तो रेनी डेज। एडवर्सिटी कहते हैं विपत्ति को, एडवर्सिटी कहते हैं विपत्ति को। क्या चाहता है सेंटेंस, कुड कहा, कुड भैया पैसे चाहिए, तो नेचुरल सी बात है भाई तेरी पैसे में कुड भी आएगा। हमारा कुड नॉट बी थर्ड फॉर्म में आंसर ढूंढना है, कुड नॉट प्लस वी वन है तो आंसर में कुड नॉट बी थर्ड फॉर्म ही आएगा। ढूंढ लो आंसर, खत्म कहानी। ए इज द राइट आंसर, यू कुड नॉट बी हेल्प बाय योर किथ एंड किन इन योर एडवर्सिटी। आपको रिटर्न की तरफ बहुत एम्फसाइज करना है। ऑब्जेक्ट में तो 15 क्वेश्चन अभी लिखवा लो, 15 में से 15 क्वेश्चन निकाल दूंगा मैं, एक क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। दिस इज माई रिटर्न एश्योरेंस। समवन विल फेट यू इन ग्रेजर पार्टी ड्यू टू योर डिजी हाइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आखिरी मेहमान है, बहुत अच्छे से इसकी खातिरदारी कर देते हैं। फेट FETE या रिगेल, आव भगत करना, मेहमानों की करते हैं हमारे राजस्थान में, आव भगत करना, दूसरा वर्ड खातिरदारी करना, हमारे राजस्थान की परंपरा है। आप राजस्थानी कल्चर पर ऐसे लिखोगे तो इन वर्ड से तो आपको रूबरू होना ही पड़ेगा। पेट और रिगेल, आव भगत करना, पुट और पेडेस्टल, किसी को पलकों पे बिछाना, रोल आउट रेड कारपेट, किसी का भव्य स्वागत करना, पलक पावड़े बिछा देना, जितनी हिंदी मेरे को आती है मैं इंग्लिश से कनेक्शन दे रहा हूँ। फिर कहता है क्या, डिजी हाइट, उच्च पद जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो बड़े पद होते हैं वो डिजी हाइट कहलाते हैं, ऊंचा पद, जितने भी ऑफिसर रैंक पद हैं वो डिजी हाइट। पेट और रिगेल, आवभगत करना, और क्या चाहता है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कहता है पूरा पहले पोस्टमार्टम करो फिर आगे जाने दूंगा, ऐसा नहीं वॉकैप को समझा नहीं और आप आगे चले गए। ग्रेंजर पार्टी, भव्य पार्टी, बहुत शानदार पार्टी है, बहुत शानदार समारोह है, ग्रेंजर है, एलिगेंट है, सेरेमनी हो सकता है, ग्रेंजर पार्टी, भव्य पार्टी, गजब की पार्टी, डिजी हाइट, उच्च पद। गवर्नमेंट सेक्टर में डिजी हाइट होता है, प्राइवेट सेक्टर में प्लग जॉब होता है। IIT करने के बाद प्लग जॉब मिलता है, यदि गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में कोई है तो प्लग जॉब कर रहा है आफ्टर IIT, आफ्टर IIM, IAS करने के बाद जो पद मिलेगा वो डिजी हाइट होगा। आफ्टर IAS, आफ्टर RJS, आफ्टर ADJ, आफ्टर CDS और NDA, एस्पिरेंट विल गेट डिजी हाइट। आफ्टर IIT, आफ्टर IIM, प्लग जॉब, दोनों में डिफरेंस है, बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। पेट और रिगेल, आवभगत करना, कहानी फिर एक यूटर्न पे जा रही है, बहुत अच्छा यूटर्न। क्या कह रही है, विल, बोले सर बहुत इजी है ना, बिल्कुल इजी है, मैंने कब का कठिन है। विल हुआ रूम नंबर 9 से कवर, इसकी पैसिव विल भी आएगी, विल भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके आंसर में कल वाला ट्विस्ट है, बाय समवन वाला आंसर नहीं होगा, बाय समवन नहीं आएगा। जैसे कल आपने बाय वन को नहीं लिखा था, यहाँ बाय समवन वाले आंसर को ऑमिट करना पड़ेगा, बाय समवन नहीं आएगा, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो विदाउट समवन होगा,
यू विल बी फेटेड इन ग्रेंजर पार्टी ड्यू टू योर डिजायर्ड। सी आंसर करना, ये गलत आ गया। इसका सी द राइट आंसर, बाय समवन नहीं लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना, सी करेक्ट कर लेना। बाय समवन दो आ गए आपके पास अभी तक, बाय समवन और बाय वन नहीं लिखा जाता है ज्यादातर। हाँ, चारों भी समवन लगा रखा हो तो टेंशन ही नहीं है, लगा देता है कभी कभी, उसकी मर्जी होती है, तो वहां तो आप क्या करें, नहीं सीख सकते। बाय समवन नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि बाय वन और बाय समवन लिखने की पैसिव में परंपरा नहीं है, इस बात को थोड़ा सा कंसंट्रेटिव रखें आप। और आइए आज एक और मॉडल डिस्कस करें, आगे की तरफ मूव करते हैं हम। क्लियर आज का टॉपिक एकदम? इफ सर चाहिए मेरे को कॉपी में, नहीं चाहिए कॉपी में, दुनिया लिखती है, मेरे को कॉपी में लिखवाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। और तो सिर्फ हमारी स्पीड बनाने के लिए, उससे हमारा रूबरू होने के लिए हम कुछ करना है, क्योंकि वो एक बेसिक पार्ट है। चलिए आज का हमारा जो मेहमान है वो है कैन, काफी यूज होता है इसका। आज का हमारा जो मॉडल है, नेक्स्ट मॉडल की तरफ मूव करें, फिर ग्रामर शुरू करेंगे एक दो मॉडल खत्म होने के बाद। उस क्लास में कोई एब्सेंट मत रहना, अब तक जो एब्सेंट है चलेगा, अब के बाद जो एब्सेंट होगी वो भारी पड़ेगी, इसलिए आने वाली क्लासेस में कोई एब्सेंट ना रहे। कैन का मतलब है सकता, ये वर्तमान काल का मॉडल है, वर्तमान काल का मॉडल है। दूसरी बात, ये वर्तमान काल में हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी को बताता है। वर्तमान में इसका भाई कुड इसका भाई है, कैपेसिटी को, एबिलिटी और कैपेसिटी को वर्तमान में बताता है। एक मछली पानी में रह सकती है, उसकी एबिलिटी है। हम पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमारी कैपेसिटी और एबिलिटी है। यदि हम एक्टिव वॉइस में यदि आ रहे हैं तो वही कहानी, सब्जेक्ट प्लस कैन, करते हैं तो कर सकते हैं तो कैन, नहीं कर सकते हैं तो कांट, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसी वो इसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पर आएगा, हर चीज को क्लच में लेते हुए चलिए। ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी या कैन नॉट बी प्लस वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट। कैन का जो बड़ा भाई है वो है कुड, वो पास्ट में चलता है, ये प्रेजेंट में चलता है, बस यही फर्क है। कैन और कुड का फर्क कर लीजिए, ये पास्ट में काम आएगा, ये डायरेक्ट में भी काम आएगा, और प्रेजेंट इसका है। यदि वर्तमान में कोई हमारी कैपेसिटी और एबिलिटी शो करनी या नहीं करनी, क्षमता और योग्यता वर्तमान में शो करते हैं या नहीं कर सकते, तो कैन आएगा। और भूतकाल में हमारी क्षमता या योग्यता को शो कर सकते हैं और नहीं कर सकते, तो आपका कोड आएगा। इतनी सी कहानी को याद रखना है। यदि वर्तमान में आएगा क्षमता और योग्यता तो कैन आएगा, और भूतकाल में आएगा तो कोड आएगा। जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस, कुछ भी जो हम जनरल यूज कर सकते हैं, जैसे I cannot speak English fluently, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मेरी एबिलिटी है fluently। मैं ट्विस्ट दे रहा हूं यहां पर, fluently I cannot, यहां पे लिख दिया मैंने since I cannot speak English fluently because I am a village dweller, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, because I am a village dweller, मैं गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मेरी कैपेसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव वो एक अलग मैटर। आप बोल सकते हैं यू कैन स्पीक, since I cannot speak English fluently I am village dweller। यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, यहाँ पर हमको चार वर्ड दे दिए, सो हैंस देयर फोर और जीरो कंजक्शन। क्या आंसर दिया भारती आपने? बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि क्यों दिया आपने ऐसा आंसर? यस, यदि वाक्य की शुरुआत सेंस
एज और बिकॉज से हो जाए जो कंजक्शन में पढ़ेंगे, चिंता मत करो टॉपिक आएगा, ये तो अपन पुरानी बात पर बात कर रहे हैं। यदि वाक्य की शुरुआत सिंस, बिकॉज और एज से हो जाए, इसका हिंदी मतलब होगा क्योंकि, तो उसमें हमेशा जीरो कंजक्शन आएगा, कोई सा कंजक्शन नहीं आएगा। ऐसे ये स्पीड बरकरार रखो, देखो कहां से कहां पहुंच जाते हो, इसलिए वहां पर है। सेकेंड, ही कैन नॉट ड्रैग यू इन कोर्ट बिकॉज, यहां लगा सकते हैं क्योंकि यहां कुछ भी नहीं आया, यहां बिकॉज लगाओ कुछ भी लगाओ, because you are he is your same blood brother, क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई है, same blood brother, वो तुम्हारा सगा भाई है, इसलिए वो तुमको कोर्ट में नहीं घसीट सकता। ड्रैग का मतलब घसीटना, उसकी एबिलिटी कैपेसिटी मना कर रहा है, वो नहीं कर सकूंगा मैं, आई कांट, सॉरी, क्योंकि वो मेरा सगा भाई है। तो कैन और कैन नॉट को डिस्कस किया आपने एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए। ही कैन नॉट ड्रैग यू इन कोर्ट बिकॉज ही इज योर सेम ब्लड ब्रदर, वो तुमको कोर्ट में नहीं घसीट सकता क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई है, ही इज योर सेम ब्लड ब्रदर, वो तुम्हारा सगा भाई है। ऐसे में जा रहे हैं अपन डायरेक्ट छोटे सेंटेंस में जा रहा हूं अभी मैं। यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड ड्यू टू कारण बता दो कोई सा भी, ड्यू टू योर फ्रेगमेंटेड प्रिपरेशन, सबसे पहली क्लास में जो यूज किया था वही फ्रेगमेंट, चलते चलते कहाँ आ गए हम, देखो आप खुद कितनी कमांडो ट्रेनिंग में आ गए, फ्रेगमेंटेड प्रिपरेशन एंड स्टिफ पेपर सेंटेंस, वैसे वो इसमें जा रहा है तो सिलेक्शन अपने आप तो होगा नहीं, किसी के द्वारा होगा। यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तुम्हारा चयन नहीं हो सकता तुम्हारी अधूरी तैयारी के कारण, अधूरी तैयारी और कठिन पेपर के कारण नहीं हो सकता, किसके द्वारा मुझे क्या पता। यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तुम्हारी एबिलिटी है कि नहीं हो सकते, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, और नहीं हो सका तो कुड नॉट बी, नहीं हो सका तो कुड नॉट बी, और नहीं हो सकता तो कैन नॉट बी। एक लास्ट का सेंटेंस, बहुत प्यारा सेंटेंस, काफी कुछ सिखा के जा रहा है। यू कैन नॉट मेक आउट का मतलब लिखना समझना, एग्जाम में आ सकती है। यू कैन नॉट मेक आउट माई ग्रीफ एंड ग्रीवेंस, ग्रीफ एंड ग्रीवेंस, ग्रीफ एंड ग्रीवेंस का मतलब होता है दुख दर्द, तुम मेरा दुख दर्द नहीं समझ सकते, दुख दर्द। यू कैन नॉट मेक आउट माई ग्रीफ एंड ग्रीवेंसेस बिकॉज ओनली वियरर नोज वेयर वेयर शूज यस पास कहाँ है, अभी कह रहा हूं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपकी अधूरी तैयारी और कठिन पेपर के कारण आने वाला पेपर कठिन आएगा, इसलिए नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी अधूरी तैयारी और पेपर कठिन आएगा। हाँ पास में आप देकर आ गए तो गुड नॉट बी, अभी देना है आपको तो पेपर तो इजी तो आएगा नहीं ना, फ्रेगमेंटेड है तैयारी नहीं है, इसलिए कैन नॉट, और देकर आ गए तो गुड नॉट। यू कैन नॉट मेक आउट माई ग्रीफ एंड ग्रीवेंसेस, तुम मेरा दुख दर्द नहीं समझ सकते, बिकॉज ओनली वियर आर नोज वेयर शू पिंचेस, क्या मतलब होगा इसका, हिंदी का मुहावरा है, हिंदी में अटका देना, हिंदी में अटकाओ इंग्लिश में अटकाओ, अटकाओ बस, क्या मतलब हुआ, हिंदी में हजारों बार बोला है आपने, बिकॉज ओनली वियर आर नोज वियर शू पिंचेस, केवल पहले वाले ही जाता है कि उसके तकलीफ कहाँ है, शू कहाँ चुभ रहा है। हिंदी भी शार्प कर लो मेरे साथ रहते रहते, ऐसा ऐसे लिखो हिंदी में, मेरा ऐसे कंटेंट शानदार है,
हिंदी ऐसे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, कुछ नहीं लाना पड़ेगा, बाजार से किताब मत खरीदना है। जहां तक हो सके मैंने हिंदी भी गजब लिखी है, जैसे भ्रष्टाचार को मिटाना समुद्र मंथन के समान है, लाओ समुद्र मंथन का वर्ड है कि नहीं, भ्रष्टाचार को मिटाना समुद्र मंथन है ना, लाओ समुद्र मंथन का इंग्लिश वर्ड, कुछ नहीं है। उसी छाती मिलोई थी क्या पढ़ने, चरण अप टोशन चरण अप बोलेंगे, चर्निंग अप ओपोशन, दही तो मिलोया था, तो समुद्र मंथन को इंग्लिश में बोलेंगे ओशियन चर्न अप। हिंदी में कितना प्यारा लग रहा है, समुद्र इसको भ्रष्टाचार को मिटाना एक मुश्किल काम है, एक सेंटेंस तो ये। दूसरा सेंटेंस, भ्रष्टाचार को मिटाना एक समुद्र मंथन के समान है, हिंदी में कौन सा लिखना चाहोगे, सेकंड वाला। अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है, मर्सिडीज सबको अच्छी लगती है, मारुति के बजाय, चाहे हाथ में आए चाहे नहीं आए, सीधी सी बात है ना। आइए, ये सेंटेंस आपने हजारों बार सुना, बोला, देखा, आज इसको इंग्लिश में ले जाते हैं और इंग्लिश में कहीं पर भी, हिंदी में सॉरी, इंग्लिश में तो जाएगा ही जाएगा, हिंदी में कहीं पर यूज कर सकते हैं। ओनली वियर नोज वियर शू पिंचेस, सिंपल सी कहानी है, जाके पैर फटे ना भिवाई, जाके पैर फटे ना भिवाई, आगे का बता दोगे क्या, आगे का तो बता दो, जाके पैर फटे ना भिवाई, जिनके ये पैर नहीं फटते, बीमारियां नहीं होती है, आगे का वो क्या जाने पीर पर आई, बस यानी वो दूसरे की पीड़ा क्या समझेंगे, वो क्या जाने, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्या जाने पीर का मतलब पीड़ा, पीर पर आई। वो मारवाड़ी भी नहीं कहते का, कई बार सुना होगा, जी की खुड़ी पर लागे जब भी हाड़ में दर्द हो जाए, बोल सुना है कि नहीं सुना, दादी से मामी से काकी से बुआ से कि जी की खुड़ी पर लागे जाए, खुड़ी का हाड़ पर लागे जाए भी कहीं दर्द हो जाए, सेम वही कहानी, मारवाड़ी में मजा रहा है। चलिए, तो ये सीधी जा रही है, जाके पैर फटे ना भिवाई, वो क्या जाने पीर पर है, या कोई भी अच्छा ऐसे लिख रहे हैं, उसके कंटेंट बहुत वैल्यूबल होते हैं, भला अगले के दिल को छू जाए, कंटेंट वही होता है, कंटेंट प्रेजेंटेशन वही होता है। आज हम कुमार विश्वास, बोनी भुवन या सोनू शर्मा को सुनना चाहते हैं, वही शब्द है ना, उसका कंटेंट छूता है दिल को, प्रेजेंटेशन छूता है दिल को, सेम वही कहानी, आपका कंटेंट हिंदी या इंग्लिश का उसको चीरते हुए आगे बढ़ गया, उसके दिल को छू गया, मार्क्स 100% मिलेंगे, और आपके कंटेंट से वो नाराज हो गया, 5 नंबर देगा, ओनली 5 नंबर, बोले यार बेकूफ बना रहा है मेरे को, मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आज इतने वर्षों से कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो बेकूफ बनाने के मूड में है पूरा, ये ऐसा टारगेट ही है क्या, बेकूफ बनाने के मूड में ये मेरे को बेकूफ समझता है, देखो कितना बेकूफ और जो है वर्थलेस कंटेंट लिख रहा है। आप कंटेंट लिखो ना, आप कंटेंट लिखो ऐसा, ये देखो अब ये जैसे फ्रेज आई, एक क्लास का बोर्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कोई भी गरीबों का या कोई भी चीज नहीं समझ रहा इंसान, सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त है, तो वो क्या जाने पीर पर आई, वो क्या जाके पैर फटे ना भिवाई, पैर फट गए साहब, वो क्या जाने पीर पर आई, दूसरे की पीड़ा क्या समझे, एक गरीब की पीड़ा क्या समझेगा, गवर्नमेंट तो इम्पोज कर देती है, ऑफिसर खा जाते हैं, गरीब की तकलीफ को क्या समझेगा। ये दो चार आपने कोटेशन डाल दी, जैसे दिया तले अंधेरा, ये वाली सेंटेंस के स्टार्टिंग में डाल दी, आपके ऐसे के स्टार्टिंग में देखो आपको मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। हिंदी भी फायरिंग, इंग्लिश भी फायरिंग, और इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन भी फायरिंग, सिलेक्शन तो छोड़ो, रैंक के दिन नहीं आ जाए तो मैं यहीं पर, रैंक नहीं आ जाए तो मैं यहीं पर हूँ, लेकिन ये सब करना पड़ेगा। राम जाता है, राम गोज हो गए, इंग्लिश की तीसरी, ऐसे गेम खेलो ना, ठीक है भूल रहे हैं तो भूल रहे हैं, मजा तो आ रहा है ना, हमारा प्रेजेंटेशन तो बढ़ रहा है ना, अब आज आप बाहर जाते हो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ 2 वर्ड डेली के याद होते हैं तो क्या फर्क है, 60 वर्ड तो हो गए ना, लाभ जाता है सीता गाती है, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। देखो जीजा है जेंटलमैन फ्रेंड, सफलता कही है, लोगों से अलग हटके तैयारी करो, अलग वे में तैयारी करो, रिजल्ट अलग ही आएगा, और क्राउड का हिस्सा बनना है वो तो ही, वो तो क्या प्रॉब्लम है। आज आप बैठ के तपते हो सुबह 1.5 घंटा 1.5-2 घंटे यहाँ पर तपते हो, मजा नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, सीधा रिटर्न में उतार दूंगा आपको, डायरेक्ट रिटर्न में, और रिटर्न में एक वर्ड गलत नहीं होने दूंगा, एक कंटेंट गलत नहीं होने दूंगा, और ऐसे निकाल कर आऊंगा वहां से जो इस बार आज इसको आने की संभावना है, सिर्फ मेहनत के बेस पर, मेहनत ही ऐसे अपन कर लेंगे 50, या को कहां से देगा फिर, और नहीं मान लो कुछ अलग आ गया तो लिखना आ गया ना, फिर क्या दिक्कत है, हमें लिखना आता है ना, बस खत्म, बात लिखवा ले। अभी मेरे को बोलो आप कि सर फलाने में, हाँ कंटेंट तो चाहिए ना हिंदी में, हिंदी का कंटेंट इंग्लिश में कुछ भी लिखवा लो आप मेरे से, क्यों इधर है सारा फील, और एक मैं रट कर आता नोट्स लेकर, नाम जाता है उससे बाद मेरे को जाना ही नहीं, कोमा की जगह कोमा, फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप, आप घुमाओ अगली क्लास दो, मैटर चेंज हो जाएगा, अगली क्लास दे दो 1 घंटे बाद, मैटर पूरा चेंज, क्योंकि यहाँ से डेवलप होता है इधर से, और कुछ नहीं है।
क्लियर आज का? बिल्कुल क्लियर, तेजी से आवाज आओ, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर से आग लगाओ यार, क्रिस्टल क्लियर। मेरे को मजा आए, मैं कल इससे भी ज्यादा भयंकर तैयारी के साथ आऊं, ऐसा कर।